हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आधा किलो आंवला लिए हैं, देखिए धुल के थाली में रख लिए हैं। इसका अचार हम बनाने चल रहे हैं, जिसको हम बॉयल करेंगे। गैस पे हमने कुकर रख दिया, हम कुकर में बॉयल करेंगे। इस तरीके से आंवला कुकर में रख रहे हैं, सारे आंवला हम कुकर में रख दिए हैं। देखिए अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हमको नहीं लेना है। ये देखिए थोड़ा पानी डालें, आधी गिलास लगभग। अब गैस हम कुकर बंद कर दे रहे हैं, गैस हम ऑन कर दिए हैं। धीमा गैस पे हमको एक सीटी लगाना है। ये देखिए एक सीटी लग गया तो आंवला हमारा बॉयल हो गया है। कलर देखिए इसका चेंज हो गया है। इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। सभी आंवले को हम थाली में निकाल लिए हैं। अब इसका पीस निकालेंगे। देखिए बॉयल हो गए अच्छी तरीके से, तो एक एक पीस निकल जा रहा है आराम से। अभी गर्म है तो आराम से एक एक पीस ये देखिए निकाल ले रहे हैं हम। बीज इसका निकाल के अलग कर दे रहे हैं। देखिए ये सभी आंवले के पीस हम निकाल लिए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम सुखाएंगे, लगभग 1-2 घंटे धूप में, इसका जो पानी है वो सूख जाए। ज़्यादा हमको नहीं सुखाना है। ये देखिए सूख रहा है तो कैसा इसका कलर चेंज हो गया है। देखिए ज़्यादा हम सुखाए नहीं हैं, लगभग 1 या 2 घंटे सुखाए हैं बस। अभी ये सूख गया है तो इसको हम अचार बनाने चल रहे हैं। मसाला लेंगे इधर हम, ये सौंफ है बड़ा चम्मच 1 चम्मच, काली तिल, जीरा, छोटी सरसों लिए हैं और मेथी दाना। इधर धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, दरबरा लाल मिर्च है कुटा हुआ, गरम मसाला और कलर वाला पाउडर हल्का सा लिए हैं प्लेट में हम। ये जो खड़ा मसाला है इसको तावा पे हल्का सा हम गरम करेंगे, ज़्यादा हमको भूजना नहीं, कच्चापन बस इसका निकल जाए। तो धीमे चलाते हुए हम थोड़ा सा इसको कच्चापन निकालेंगे, तो थोड़ा सा भूजेंगे इस तरीके से। देखिए मसाला भूज रहा है, देखिए कलर चेंज हो गया है, तो इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। अब पैन में हम तेल गरम करके रख दे रहे हैं, ठंडा हो जाए तब हम बनाएंगे। तो पैन गरम कर रहे हैं तेल, ये देखिए अब इसको रख दे रहे हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसमें हम अचार बनाएंगे। इधर जो हम पिसा मसाला लिए हैं, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, हल्दी, ये सब हल्का सा कच्चापन निकालेंगे। इसको तावा पे हल्का सा भूंज रहे हैं, देखिए ज़्यादा हमको भूंजना नहीं है। सभी मसाला ये भूंज के पीस लिए हैं दरबरा। इस तरीके से मसाला देखिए तैयार हो गया। तो अब इसमें तेल ठंडा हो गया तो हम आंवला डाल रहे हैं, देखिए इस तरीके से। इसमें हम लहसुन ले रहे हैं तो कम से कम 10-12 लहसुन दरबरा कुटा हुआ डालेंगे। दो से तीन चुटकी हम हींग ले रहे हैं, हींग सबसे ज़रूरी होता है, हींग डाल रहे हैं इसमें। इस तरीके से डाल के इसको पहले हम मिला ले रहे हैं। अब इसमें मसाला हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मसाला हम मिलाते जाएंगे, अगर कम लगेगा तो बाद में और हमको डाल लेना है मसाला। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर दे रहे हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से बराबर चला ले रहे हैं। ये देखिए आंवला का अचार बन के रेडी हो रहा है। मसाला कम था तो थोड़ा और हम मिला लिए हैं। ये हमारा आंवला का अचार बन के रेडी हो गया है, सेहत से भरपूर। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।